Hi guys, how are you all? Thank you so much. थैंक यू। या ये साल काफी अच्छा रहा है। आई थिंक यही कहना चाहूँगी कि जो 2019 बहुत ही स्पेशल ईयर था, क्योंकि मेरी अनेकों फिल्मों को इतना प्यार दिया सबने, एंड आई थिंक जो जैसा अवार्ड सीजन रहा है अभी तक जितने भी हुए हैं, वहाँ भी बहुत प्यार और इज्जत मिली है। जो जितनी भी फिल्में करी बहुत ही स्पेशल है, एंड आज एक और नेक्स्ट ब्रांड अवार्ड मिला, तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एंड दैट आई कीप वर्किंग हार्ड। जी वो तो मतलब आई थिंक जब आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप ड्रीम करते हैं कि आपकी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़े, जहाँ पे आपके फैंस बढ़े, उनका प्यार बढ़े और उनको आप हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रख पाएँ। सो इट्स अ हैप्पी प्रॉब्लम। जी दुर्गावती की कास्ट उन्होंने ज्वाइन की है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कास्ट है हमारी। हम धीरे धीरे बाकी कास्ट मेंबर्स भी बताएंगे। आई थिंक आई मीन डेफिनेटली बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्ट है हमारी, लेकिन ये जो मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उसके इर्द गिर्द है कहानी। सो देयर इज अ प्रेशर। इट्स अ फर्स्ट टाइम की कोई ऐसी किसी फिल्म की पॉलिटिक्स नहीं है जहाँ पे देयर इज अ बॉय ऑपोजिट मी, एंड एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा है। मैंने कभी हॉरर पर से एज सच किया नहीं है, हॉरर थ्रिलर, इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड इट्स आई थिंक जितना भी अभी तक दुर्गावती शूट किया, इट्स प्रॉबेबली इट्स टेकन माई परफॉर्मेंस अ नॉच अप। मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है कि अगर इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल, पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। हाँ पूछिए पूछिए। मैं तो मतलब आई फील कि हर बॉडी का अपना डिसीजन होता है, तो आई डोंट थिंक आई एम इन अ प्लेस टू रियली कमेंट ऑन कि क्या डिसीजन राइट है या क्या डिसीजन रॉन्ग है। वेयर आई एम कंसर्न्ड जो हमारा था वो एक क्रिटिक्स कैटेगरी में था, तो वो एक जूरी डिसाइड करती है, एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल। आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजिशन टू कॉमेंट ऑन दैट। थैंक यू।